नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। मथुरा में चुनाव आयोग के आदेश और कोविड 19 के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। नव निर्वाचित ग्राम प्रधान और उनके पति ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस निकालने पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी। उसके बाद भी ऊंची रसूख के चलते नव निर्वाचित ग्राम प्रधान उसके पति ने विजय जुलूस निकाला। कोरोना महामारी नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग इसमें दिखाई दिए। भारी संख्या में मोटरसाइकिल सवार लोग भी दिखाई दिए। आधा दर्जन के करीब गाड़ियों के साथ ये जुलूस निकाला गया है। गांव में महामारी फैलने की आशंका है। गांव वाले डरे हुए हैं। मथुरा के वृंदावन कोतवाली के जैत गांव के नव निर्वाचित प्रधान ममता और उसके पति संजय ने चुपचाप ये जुलूस निकाला, लेकिन प्रशासन इस पर अब भी चुप्पी साधे हुए है। इटावा के ग्राम सिफई को स्मार्ट गांव भी बोला जाता है, क्योंकि यहां वो हर विकास के आयाम हैं जो इस गांव को खास बनाते हैं। स्कूल से लेकर हवाई अड्डा तक आप जिसकी भी कल्पना करें वो सब कुछ है इस गांव के अंदर। वहीं इसी गांव में प्रदेश को कई बार मुख्यमंत्री दिए और देश को रक्षा मंत्री भी दिए। इसी गांव ने एक बार, हालांकि आज़ादी से लेकर इस गांव में आज तक चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनावों में पहली बार यहां चुनाव हुआ, जिसमें मुलायम सिंह परिवार के समर्थित उम्मीदवार रामफल वाल्मीकि ने जीत हासिल की। रामफल की जीत का फासला भी बहुत बड़ा रहा। उन्हें कुल 3,877 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी विनीता को सिर्फ 15 वोट ही मिल पाए हैं। पिपराई क्षेत्र के चुल्ला बेलवा टोल निवासी की रहने वाली रीता देवी को दिनांक 4 मई 2021 को लगभग 1 बजे पुरानी रंजिश को लेकर लाखों रुपए मांगने के संबंध में कुछ लोग घर पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद विनीता ने मना किया तो लाठी डंडों से, लात घूसों से उसकी मार पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसके पति को भी जमकर मारा पीटा और जब उसका पति उसे बचाने गया तो उसके बाद फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है तो घायल व्यक्ति ने कई बार थाने पर गुहार लगाई है। जब थाने से सुनवाई नहीं हुई तो घायल व्यक्ति मजबूरन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर का दरवाजा खटखटाया और दरख्वास्त दी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनकी बात सुने और कार्रवाई करें। उरई का राजकीय मेडिकल कॉलेज लोगों के लिए काल बना हुआ है। अव्यवस्थाओं के चलते हर रोज मरीज मर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद मरीजों को सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते ज़मीन पर तड़प तड़प कर लोगों की मरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरीजों को बेड तक नहीं नसीब हो पा रहे हैं। ज़मीन पर बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। एक छात्रा ने अपनी माँ के लिए जिम्मेदारों से ऑक्सीजन की गुहार लगाई है। जालौन के उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।